हेलो एवरीवन, रेलवे की सीरीज जो चल रही थी क्लासेस आपकी रेगुलर, उसमें आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बीच शेयर कर चुका हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। उन बेसिस पे मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करें। और मेरा जितना अच्छा हो सके मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी। और बस यही है कि आप जो और मैं बार बार लगा रहा हूँ कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आप पैरेलल करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति दस रुपए में ग्यारह की दर से पेंसिलें खरीदता है और 11 रुपए में 10 पेंसिलों की दर से पेंसिलें बेचता है। मतलब कहने का क्या है हम देखते हैं। देखिए, सिंपल से आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ये। अगर मैं बोलूँ एक व्यक्ति है, अगर मैं देखूँ यहाँ सीपी मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है जी। और एक है आपका एसपी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सीपी एसपी, क्वांटिटी और रुपीस। इससे आपको क्या बोला है मैं देखता हूँ। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पर जैसे मैं फिल आउट करूँगा। भाई वो 11 पेंसिल है आपने खरीदी, क्या पेंसिल 11 पेंसिल है, कितने रुपये में खरीद रहा है 10 रुपये में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 पेंसिल्स वो कितने रुपए में बेच रहा है, 11 रुपए। तो आपको यहाँ क्या बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, आपको ये बताना है। पहले तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा, इनमें से क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितने प्रतिशत होगा, प्रतिशत में निकालना है। तो कुछ मत करिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। सिर्फ क्या करो जो मैं बोल रहा हूँ, न्यू प्राइस निकाल लो। अच्छा एक चीज और यहाँ पर दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा भाई प्राइस दिया है तो ये इंसान डायरेक्ट क्यों नहीं देख रहा। आपके हिसाब से तो आप ऐसा करोगे कि ये देखिए दो इनमें डिफरेंस कितना, 1 रुपए का 10 रुपए सीपी था तो उस हिसाब से निकालो। नहीं, अगर मुझे कंपैरिजन करना है यहाँ तो मेरी क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, आपस में बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी मैं रुपीस का कंपैरिजन कर सकता हूँ। यहाँ क्वांटिटी 11 थी और यहाँ 10, इसलिए मैं डायरेक्ट रुपीस को चेंज नहीं कर सकता। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें आपकी क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट है, सीपी आपने कुछ और क्वांटिटी में था, ठीक है सीपी था 11 क्वांटिटीज का आपको दिया हुआ है और 10 क्वांटिटी का एसपी, तो आप क्या करोगे कुछ मत करना। जैसे यहाँ पर मैं क्रॉस ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब जो सीपी का प्राइस है वो आप मल्टीप्लाई कर दो एसपी की क्वांटिटी से, जो और जो एसपी का प्राइस है वो आप मल्टीप्लाई कर दो सीपी की क्वांटिटी से, दैट्स इट। ठीक है, तो आपका प्राइस यहाँ पर सीधा सीधा निकल आएगा। और आप क्या करोगे यहाँ पर देखिए, सीपी की क्वांटिटी कहाँ हुई मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके किस में, एसपी के प्राइस में, तो 11 × 11। आप हमेशा प्राइस में मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या दिखा रहा है प्राइस और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी किसकी आई यहाँ पर, सीपी की, और प्राइस तो हमारा एसपी का था ही। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका 10 रुपए तो आ गई, किसका प्राइस है भाई वो सीपी का, क्वांटिटी किसकी ले लोगे सीधा सीधा एसपी की, तो आपका कितना हो गया 100 और यहां पर कितना हो गया 121। अब आप सीधे सीधे कंपैरिजन कर सकते हो मेरे दोस्तों, यहां पर कुछ मत करिए, डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है इनके बीच में, कितना अधिक है +21 और किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, सीपी कितना था 100, तो 21/100। आप क्या कर देखते हो सीपी एसपी का डिफरेंस कितना आया, 21, मतलब 21 रुपए तो उसे रुपए में हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, परसेंट निकालना होगा तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे यहां पर, इसे हम निकालेंगे इसे आपके सीपी के मूल्य के हिसाब से, तो आपका क्या आ जाएगा 21/100 और गुणा में क्या कर दो, आपको करना है 100 कर दो परसेंट के लिए, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 21%, और ये क्या हुआ है आपका प्रॉफिट। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये बहुत शॉर्ट मेथड है, कुछ नहीं था। 100 रुपए था, 100 से कितना ज्यादा 21, 100 के हिसाब से 21 कितना होगा 21%, ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको जो बोला ये प्रॉफिट लॉस पे था, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस पे था, जी हाँ प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो इसी पर आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, दूसरा टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे जो काफ़ी पूछा जाता है, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन की प्राप्ति होती है, धन मिलता है या धन मिले, तो यह बताइए उसका प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत कितना है। देखो अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, फिर से वही देखिए, यही अगर आप बेस देखते रहेंगे ना हमेशा, देखो ये लिखने की जरूरत एग्जाम में कम पड़ेगी अगर आपको पूरा क्लियर हो जाता है। तो देखो क्वांटिटी, और यहां तो हमें सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी दी है भाई, कितनी
आपका यहाँ पर कितनी क्वांटिटी थी एसपी में, 110 बेच रहा है और प्राइस कितने बराबर मिल रहा है उसको, 120 के बराबर। अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पर सीपी की क्वांटिटी कितनी थी, 120, मतलब उसको जो पैसा मिलता है वो 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर मिल रहा, नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो वो बेच कितनी क्वांटिटी रहा था, 110, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत करो, सिर्फ क्रॉस ट्रांसफर कर दो। रुपीज नहीं दिया था, क्वांटिटी दी थी ना, तो जब क्वांटिटी पता होना तो जो एसपी की क्वांटिटी है वो सीपी का प्राइस हो जाती है, जो 110 रुपए हो जाएगा यहां पर, ठीक है। और जो सीपी की क्वांटिटी होगी वो प्राइस हो जाएगा एसपी का। अब आप आसानी से निकाल सकते हो इनके बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 10। ये तो रुपए में हो गया कि भाई 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, लेकिन हमें तो प्रतिशत में निकालना है ना, तो हम प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, सीपी क्या है इसमें, 110, भाई सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता परसेंटेज, सीधा सीधा निकाल लो, 1/11 अगर आपको याद हो तो कितना होता है, 1/11 होता है आपका 9 सही 1/11 प्रतिशत, ठीक है। कितना होता है 9 सही 1/11 प्रतिशत, और अगर याद ना हो तो प्रतिशत में जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो 100 का गुणा कर देते तो भी हो जाता, 100/11 तो 11 का करते 9 सही 1/11 प्रतिशत आपका आ जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आई होप मैंने दो तरीके की आपके साथ शेयरिंग करी है, यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा इसमें करना क्या है, और हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज अदर्स भी अपलोड किए हुए हैं शॉर्ट ट्रिक्स पर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर इन डिटेल, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, आपको हर टॉपिक अच्छे से और उसके डिटेल्ड डीप और टफेस्ट क्वेश्चन हमने शेयर किए हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे आसानी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 0.03 प्रतिशत का मान भिन्न में क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन में क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं है, मैंने अपनी प्रतिशत की क्लास जो ली हुई है उसमें बहुत डिटेल समझाया हुआ है। ये क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज को जब भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आप किसका डिवाइड करते हैं उसमें, ठीक है, तो आप किसका डिवाइड करते हैं उसमें, हमेशा 100 का। तो यहां पर कर दीजिए आसानी से, परसेंट का साइन हट जाएगा जैसे ही आपने नीचे लाया 100। अब यहां पर 3, अब ये पॉइंट, अब हमें पॉइंट हटाना है तो नीचे 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया यहां पर, 3/10,000। देखो गलती कहाँ होती है, हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन भूल जाते हैं। 0.03 प्रतिशत का जो मान हमने निकाला था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो कि होगा 3/10,000। हमको ध्यान कहाँ पर देना है इसमें, हमें ध्यान देना है कि जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं पॉइंट का ख्याल रखें, और प्रतिशत से अगर हम फ्रैक्शन में जा रहे हैं, भिन्न में जा रहे हैं, 100 का भाग होगा, और जब भिन्न से प्रतिशत में आएंगे तो 100 का गुणा। एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से 4 सालों में 6,000 रुपये हो जाती है, तो यह बताइए कि वह राशि क्या है। देखिए सिंपल से, जब भी आपको ब्याज की दर, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आता है सर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज का, देखो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाएगा तब आपको मेंशन रहेगा, जब भी सॉल्व करना रहेगा, अगर वो मेंशन नहीं है, देखो साधारण ब्याज कई बार दिया रहता है और कई बार क्वेश्चन में साधारण ब्याज मेंशन नहीं किया जाता, चक्रवृद्धि ब्याज मैंडेटरी होता है मेंशन करना है, इसमें मेंशन है क्या कोई ब्याज, नहीं, तो हम क्या लेंगे बाय डिफॉल्ट साधारण ब्याज, ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको। अब यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन, जो ब्याज की दर है वो आपकी है 15%, ठीक है, वार्षिक है, प्रतिवर्ष है, और दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपका दिया हुआ है मिश्र धन, क्योंकि कोई धन कितना हो रहा है 6,000 रुपये, तो वो साधारण ब्याज मिलाकर हो रहा होगा धन में, ठीक है। आपका टाइम दिया गया है आपको 4 वर्ष, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ मत करो, A बराबर क्या होता है, P+SI। P तो अपने आप में 100% हो गई भाई, वही तो मूलधन है, SI क्या होगा, SI क्या होगा, तो SI कुछ प्रतिशत होगा किसका, मूलधन का ही निकलता है मूलधन के बेस पे। तो हम देखें, अगर मैं लिखूं R×T, मतलब 15×4, तो टोटल ब्याज कितना होगा आपका 60%, वो 60% किसका लगेगा आपको, समझ में आ रही है मेरी बात, यहां पर मतलब यहां पर क्या हो गया, PRT/100 वाला फॉर्मूला ही लिख रहा हूं मैं, बस आपको हर एक चीज यहां पर क्लियर करते जा रहा हूं, ठीक है। SI बराबर क्या होता है, PRT/100, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, 15% 4% का पहले ही गुणा कर लो, कितना हो जाएगा यहां पर, सॉरी 4 वर्ष है ये, माय मिस्टेक,
15% 4 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 60%, किसका 60% P का, और ये तो 100% था ही अपने आप में, P प्लस यहां पर कितना हो जाएगा R इंटू टी, 15 × 4 कितना हो गया 60% ऑफ, जोड़ लो 160% ऑफ P। आपको कितना दिया गया है ये अमाउंट 6000 रुपये, है ना, ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 6000। चलिए अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई है, तो P बराबर क्या हो जाएगा 6000, 160% हटाऊंगा तो ऊपर 100 का गुणा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब मैंने यहां पर करा कितनी बार गया 60 का, 3 बार गया, ठीक है, फिर कितना रिमेनिंग 120, ठीक है, जैसे 3 times किया तो कितना बचा 12 का 120 हो गया। अब कितनी बार जाएगा भाई 7 बार, फिर 8 बच गया, फिर कितना बच गया आपका 8, और जैसे ही आपका यहां पर 8 बचा, देखो एक बात ध्यान रखो यहां पर कितना था गुणा में, अगर यहां पर गुणा में देखो तो कितना था आपका, चलो ये वाला 0 में कैंसिल नहीं कर रहा, ये लिखे रहने दो, तो यहां 80 हो गया, कितनी बार चला गया 5 बार, 1 0 से 1 0 यहां कैंसिल हो चुका था, कितना 0 बचा था 1, तो आपको कैंसिल करने पे कितना आ गया 3750 आपका आंसर है। देखो मैं कैलकुलेशन भी बताता हूं कैसे इजी करना है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए है, 162 रुपए है, तथा विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 162 और विक्रय मूल्य कितना है आपका 135, मतलब कितना हो गया आपका यहां पर 135 रुपए, तो यह बताइए बट्टे की दर मतलब छूट की दर जो उस पर डिस्काउंट मिला है वो क्या है प्रतिशत में। कुछ मत करिए यहाँ, आपको पहले क्या दिया है, सबसे पहले एमपी दिया है भाई, ठीक है, सीपी की तो यहाँ बात होनी नहीं होगी, जब भी डिस्काउंट मिलता है किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, ठीक है, तो ये कितना होगा 162 रुपीज। एसपी कितना दिया है मुझे, कितना दिया हुआ 135 रुपीज, यहाँ पर कितना दिया हुआ 135 रुपीज। तो अब यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान देना है किसके रिस्पेक्ट में छूट मिली है भाई, एमपी के रिस्पेक्ट में, तो एमपी के हिसाब से ही छूट मिली होगी। कितने रुपए की मिली पहले मैं लिख लेता हूँ, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो कितना है 27, किसके रिस्पेक्ट में देखोगे आप, एमपी के रिस्पेक्ट में, तो आपका जो आएगा ना डिस्काउंट वो जब आप सॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा 27/162 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा परसेंट निकाल रहे हो आप, समझ में आ रहा होगा आपको क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर हमने कैंसिल आउट किया तो डायरेक्ट कैंसिल होएगा 27 से ये, हाँ हो जाएगा भाई, कितने बार होगा 6 बार हो जाएगा, तो कितना बचा 100/6, जो कि क्या होता है आपका अगर आप सॉल्व करो आसानी से 1/6 को, वैसे भी आपको याद होना चाहिए था, हम 6 का भाग करके देख लेंगे तो 16 सही 2/3%। तो जो आपकी छूट थी जो डिस्काउंट था वो कितना आएगा इसमें 16/2/3%। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, साइन थीटा बराबर 1/√2, देन फाइंड आउट, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा यहाँ पर ये बताना है मुझे साइन थीटा बराबर कितना है 1/√2। अगर साइन थीटा बराबर 1/√2 है, थीटा में जब ये साइन थीटा, अगर आपको चार्ट याद करना पड़ेगा साइन में, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो वो वैल्यू, तो साइन की वैल्यू में 1/√2 कब आता है, जब थीटा कितना हो, थीटा बराबर 30 डिग्री, तब क्या होता है साइन 30 डिग्री बराबर होता है आपका 1/√2। तो थीटा का मान निकल के आ गया, मैं यहां पुट कर लेता हूं भाई, टेन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बराबर। अब टेन 45 का मान क्या होता है, ये भी मुझे याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है फ्रेंड्स 1 प्लस, अब कॉस 45 डिग्री का 1/√2, साइन 45 और कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, √2 + 1/√2, तो आपका आंसर क्या हो गया √2 + 1/√2। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखिए, आपको यहाँ पर चार्ट याद रखना है कि थीटा की वैल्यू कहाँ पर प्लस होती, कहाँ पर माइनस, तो कुछ फॉर्मूले इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप चाहते जल्द से जल्द बने वो चीज़, तो आप प्लीज़ जो भी टॉपिक पे वीडियो स्पेशली चाहते हैं कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर बनाएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, सब्सक्राइबर जिनने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों। चलिए तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.